भाजपा की पार्टी लाइन से बाहर जाकर पृथक विंध्य प्रदेश की मांग कर जन आंदोलन चलाने वाले भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी जनसभा की अनुमति न मिलने से काफी नाराज हैं। उन्होंने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि जहां चुनाव है वहां कोरोना नहीं है, जहां जनहित के मुद्दे उठाए जाते हैं वहां कोरोना आ जाता है। जनसभा की अनुमति नहीं मिली तो भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। त्रिपाठी ने कहा वे भी कोरोना महामारी की बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन जहां चुनाव है वहां कोरोना नहीं है। हम क्षेत्र के मुद्दों को लेकर सभा करना चाह रहे हैं तो कोरोना आ गया। नारायण त्रिपाठी ने एक बार फिर तीखे तेवर दिखाते हुए कहा कि हम जनहित के मुद्दे उठा रहे हैं तो कोरोना जैसी महामारी को लेकर मुद्दे दबाने की कोशिश की जाती है। गौरतलब है कि त्रिपाठी पृथक विंध्य प्रदेश को लेकर लगातार सभाएं और दौरे कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा कि उनके बयानों को पार्टी से जोड़कर ना देखा जाए। कोरोना महामारी है, उसको हम लोग भी महसूस करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि माई की कृपा से कोई भी आदमी इस बीमारी से ग्रसित न हो। महामारी है, परंतु इसके साथ मुझे इस बात की तकलीफ है कि जहां चुनाव है वहां कोरोना नहीं आता। जहाँ कोई ऐसी आवाज निकल जाए जो क्षेत्रीय मुद्दे हो, जो क्षेत्रीय डिमांड हो, जो जनहित के काम हो, और यदि वहाँ कोई बड़ा कार्यक्रम की तैयारी होती है तो वहाँ कोरोना सबसे पहले आता है। इस बात की बड़ी तकलीफ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, हमारे बिंद के जो लोग हैं, इस कार्यक्रम को हम कोरोना की स्थितियों को देखते हुए स्थगित कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे क्षेत्र में ये बीमारी व्यापक रूप में फैल सके। इस क्षेत्र को हम निरोग रखना चाहते हैं, इसलिए इस कार्यक्रम को मैं स्थगित कर रहा हूं। परंतु ये जो जनभावना है बिंद के पुनर्निर्माण की, ये एक एक घर में और तेजी से जागृत होगी। और ये जो जन जागरण है ये बिंद के पुनर्निर्माण के बाद ही शांत होगी। ये आग जो लगी है ये आग और तेजी से एक एक जगह बिंद के एक एक हिस्से पर जाएगी और बिंद का पुनर्निर्माण कराएगी। इससे पहले राम स्थान की सभा में नारायण त्रिपाठी ने कहा कि हम काहे को डरें, ना हमें टिकट की चिंता है ना हमें टिकट लेना है। मेहर की जनता ने हमें चार बार अलग अलग दल से विधायक बनाया है, इसीलिए हमें किसी दल की चिंता नहीं है। अब टिकट की चिंता नहीं है तो हम कोई धंधा व्यापार ट्रक या खदान नहीं चलाते कि कोई भी सरकार हमारा कुछ कर लेगी। हम तो कहते हैं हमारा विंध्य प्रदेश हमें दे दो, अगर नहीं दोगे तो हम तुम्हारा खेल खत्म कर देंगे। विंध्य प्रदेश बनाने के लिए अब याचना नहीं रण होगा। मैं आपको फिर कहना चाहूंगा, मैं कोई भी मेरा बयान पार्टी के खिलाफ नहीं होता। यदि मैं विंध्य के पुनर्निर्माण की बात करता हूँ तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था कि छोटे राज्य बने, उन राज्यों का विकास हो। उनकी परिकल्पना पर तीन स्टेट का गठन हुआ और तीन स्टेट विकास किए। तो बिंद में तमाम संसाधन होने के बाद जिस तरह बिंद का एक एक आदमी उपेक्षित है, हम बिंद को आत्मनिर्भर बिंद, समृद्ध बिंद बनाना चाहते हैं। ये बिंद का एक एक मजदूर जो एक रुपया किलो गेहूं, एक रुपया किलो चावल, गरीबी रेखा का कार्ड, इसको हम खत्म करना चाहते हैं। हमारा बिंद सक्षम है कि हमें गरीबी रेखा कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम वो बिंद का पुनर्निर्माण कराना चाहते हैं। ऋषि, ये पंडित जी क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि मुझे तुम्हें जिंदगी के सभी खतरों से बचाना है। फिर तो मेरी लाइफ खतरे में है, क्योंकि जो कॉकरोच से डर जाए वो मेरी क्या रक्षा करेगा? वेल, कॉकरोच छोड़कर तुम्हारी पूरी लाइफ एकदम सिक्योर है। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में। फॉरएवर वाले रिलेशनशिप से पहले LIC। अनन्याश्चिन्तयन्तो ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। आपकी सुरक्षा और समृद्धि है हमारी जिम्मेदारी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक,
ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।